गाइस यार आज हम खेलेंगे भाई द गैंगस्टर। थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा हम आज कौन सा गेम खेलने वाले हैं। भाई द गैंगस्टर मतलब नाम सुन के ये अपना इंडियन इंडियन वाली फीलिंग आने लगती है कि भाई द गैंगस्टर। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम इसकी स्टोरी बात कर लेते हैं। एक एक बंदा होता है जो अपने जो भाई जो बोलते हैं मतलब गुंडागर्दी की लाइफ से बाहर निकल के अपना सिंपल सी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उसको सिंपल लाइफ जीने नहीं देते। और क्या होता है वो देखिए, हम पूरी कहानी देखेंगे और अगर इस पार्ट वन में नहीं हो पाया तो पार्ट टू निकालेंगे, पार्ट थ्री निकालेंगे, पूरी हम स्टोरी देखेंगे इस देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्किप करना मत बिल्कुल भी और बीच में छोड़ जाना मत वीडियो को, और बने रहिए वीडियो के अंदर क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। भाई द गैंगस्टर बहुत ही मस्त एक इंडियन GTA गेम माना जाता है हमारे इंडिया में। इस और इतनी कम MB में ये गेम मिलता है, इतनी कम MB में भाई साहब, इतनी कम MB में आपको इतने सारे फीचर मिलेंगे ना, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप भी दंग हो जाओगे कि हाँ यार ये कौन सा कैसा गेम है। मतलब इतनी सारी इसमें गाड़ियाँ, इतनी सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इतनी कम MB में। चलिए स्टार्ट करते हैं और कहानी को पूरी देखते हैं, DND करते हैं वीडियो करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर देना वीडियो अच्छा लगे तो, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन बजा देना, नीचे जाके कमेंट करना और शेयर कर देना वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बूम यार हम आ चुके हैं अपने गेम के अंदर और आप देख सकते हैं इसको कॉल आ रही है। वो बुलेट से तो तुम बच गए, बेचारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मरना पड़ा, लेकिन अब की बार नहीं बचोगे तुम, हर बार निशाना नहीं चूकता मेरा। आदमी सबसे पीछा छुड़ा सकता है लेकिन अपनी परछाई से नहीं। मैं गैंगस्टर की लाइफ से बहुत दूर निकल गया था, पर मुझे इस मौत का बदला तुझसे लेना पड़ेगा। जो भी तू है, जहाँ भी तू है, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, because gangster is back. Gangster is back. मतलब यार कितनी मस्त है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसकी गर्लफ्रेंड को, इसको मारना चाहते थे लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया और अब ये बदला लेगा। और इसका डायलॉग सुना आपने, गैंगस्टर इज द बैक, मतलब इतनी मस्त धांसू हिंदी में मतलब आपको गेम मिलती है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में इसकी मत करना, बहुत मजा आने वाला है वीडियो के अंदर। और आप आज बस इसमें थोड़े करेंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई तो पार्ट टू भी निकालेंगे, इसका पार्ट टू भी खेलेंगे। तो पहले हम पहले चेक करते हैं इनका इसका घर कि घर बढ़िया है या ऐसे ही बस भाई द गैंगस्टर बना घूम रहा है। तो भाई द गैंगस्टर वैसे यार लगता तो है थोड़ा भाई मतलब है। तो पहले तो हम भाई साहब की टीवी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कुछ मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त टीवी है। और ये चलिए टीवी छोड़ते हैं, टीवी तो बढ़िया बढ़िया मतलब बढ़िया वाली लगा रखी है। और ये थूकने वाला सिस्टम मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, देखिए पान थूक रहा है बंदा, लेकिन घर गंदा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बंदा पान थूक थूक के अपने पूरे सोफे से लाइट पता नहीं क्या क्या लाल कर चुके हैं। और इतनी गंदे घर में रह कैसे पाते हैं, सब चीज़ लाल है, ये थूक थूक के इतनी लाल चीज़ें लाल 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 सब लाल लाल हो गया थूक थूक के। भाई इसको तो पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि घर भी लाल लाल कर देता होगा ये। तो यार अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, ये है इसकी गर्लफ्रेंड है जिसको मार दिया है, इसको मारना चाहते थे लेकिन गलती से इसकी गोली लग गई और ये मर चुकी है, फिनिश हो चुकी है। और ये बहुत ही गुस्सा है मतलब बंदा कि मेरे गर्लफ्रेंड को मार दिया और लास्ट में बोल दिया है कि अब तू कहीं पर भी है मैं आऊँगा और मारूँगा तेरे को। तो ये इसकी गर्लफ्रेंड थी और कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं आप देख सकते हैं, इन फोटो के अंदर भी गर्लफ्रेंड को बना रखा है, इतनी मस्त फोटो है। हाँ वो लगता है अमीर भाई, मतलब 1,000 रुपये की तो खरीदी होगी तो पक्का ही है। और आप देख सकते हैं कि मतलब बढ़िया है या चलिए यहाँ तो कुछ है नहीं ज़्यादा खास देखने को। और चलते हैं हम अभी तो बहुत चीज़ें देखने हैं, यहाँ बेडरूम में चलते हैं, बेडरूम में देख लेते हैं कि क्या है बेडरूम के अंदर। तो यार दोस्तों हम देखते हैं बेडरूम में कुछ ऐसी खास है, यहाँ पर भी टी वी लगा रखी है, घना पैसा आ रहा है छोरे के पास। तो थूकने वाला सिस्टम तो देख देख, जैसे पास में जाते हैं थूकना स्टार्ट कर देता है, अगर तो लाल बना रखा है सब। ओहो ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव, बस इतना लिख क्या लगा है, टीवी चला दे, टीवी देख ले, अम्मी डोरीमोन लगा दे डोरीमोन, पता ना हमारी तो सुनता ना ये, और कंट्रोल कर रहे हैं हम ही हैं लेकिन ना भाई मेरी बात तो सुननी ना इसको। देख सकते हैं कितनी मस्त घर वाली फोटो लगा रखी है और ये यहाँ पे गर्लफ्रेंड कितने ना यार, गर्लफ्रेंड को क्या करता है ये फोटो देख देख के, कुछ भी रहता हमें क्या। और देख सोफे लगा रखे हैं, यूट्यूब चैनल खोल रखा है छोरे ने, कितनी देखो वहाँ पे। तो अरे लेटने के लिए कितनी मस्त भाई, अकेला लेटता छोरा, अरे दो दो तक किया, अरे भाई साहब अच्छा हाँ गर्लफ्रेंड मार दी ना, गर्लफ्रेंड भी तो सोचे थे आप,
अगर रात में केक गर्म करता होगा ये तो कुछ ना कुछ करता ही होगा। अबे ये टॉयलेट की क्या हालत रखी है, कभी चमका रखा कभी बागड़ी पूछ, कितना पैसा है इसके पास। अरे भाई साहब, अरे अरे भाई साहब, हाथ धोने के लिए लेटरिन करने वाला, ओहो कभी सिस्टम कभी नए नगर रखे भाई साहब। और ये अब टॉयलेट कैसे करता होगा, कूद कूद के क्या, अरे करके दिखा करके दिखा, अरे करके दिखा, अरे मुँह से टॉयलेट निकालता है क्या तू, अरे मुँह से टॉयलेट निकालता, छी 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 छी, ये भाई का गैंगस्टर वाला गेम तो भाई साहब, टॉयलेट मुँह से करता है ये बंदा इतना, और क्या ये थूकता है तो पूतना क्या भाई। तो यार चलिए बाहर चलते हैं अब, और बाहर भी कुछ देख लेते हैं नज़ारा। यहाँ तो गाड़ी पंचर ही पड़ी है, और भैया दिखता नहीं है क्या, अरे ओ भाई साहब दे, अरे भाई साहब कभी हिंदी में बोल, अरे भाई साहब भैया इतनी जल्दी में क्यों हो, तो आप दिखते इसमें बोल के डाल रखी है हिंदी में, जो बोल डाल रखी है मेरे को मतलब पागल कर देती है। लेकिन अभी गेम इतना बढ़िया है, डेवलप नहीं हुआ है, और जो डेवलपिंग करने वाले हैं उनसे एक गुजारिश करूँगा कि ये बंदों को मार देते तो ये बंदे बार बार आ जाते हैं, तो भैंस की आग बोलेगा, भैंस की आग बोलेगा कुछ कर रहा हूँ ना। अरे चल भाई गाड़ी में बैठते हैं, बहुत मस्त है, और चल रहे हैं उसके पास के पास डिस्को 82 में, और यहाँ हम एक बंदे से मिलेंगे जो बंदा हमें बताएगा उसका पता जिसने इसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। अरे राम राम भैया, क्या हाल है, यह कैसे आना हुआ, अरे कुछ काम है तुमसे, हमको लग ही रहा था कि तुम जरूर आओगे, किंतु खबरी बाबू बिना पैसे लिए भूखता भी नहीं है, भैया पता तो होगा तुमको। हाँ पता है, तुम साला बिना पैसे के पानी तक नहीं देता, बताओ कितना पैसा खाओगे। वैसे तो भैया इस खबर के लिए मैं 15 पेटी से कम नहीं लेता हूँ, पर चलो तुम्हारे लिए सिर्फ 10 पेटी ले लेता हूँ। अबे वो न्यूज़पेपर की औलाद, हमारा बाप कोई टाटा अंबानी नहीं है, कहाँ से लाए इतना सारा पैसा, शहर जाकर कमाना पड़ेगा, हमका ना पता भैया, पहले यहाँ पैसे रखो। तो यार हमें 10 खोखा लाने को बोला है इस बंदे ने, इसका नाम सुपारी है, सुपारी बोल रहा था कि हम तो ऐसे ही, भैया खबरी बाबू हैं और इन्होंने कहा है कि 10 खोखा लाओ और फिर अपनी खबर ले जाओ, बिना खबर बिना खोखा के मतलब ये खबर नहीं देते। तो जो ये है इन्होंने बोल दिया, तो हमें पैसा कमाना पड़ेगा, और हमारे पास अभी हमें 10 खोखा चाहिए, मतलब 10 लाख रुपये चाहिए, 10 करोड़ सर पता नहीं, हाँ 10 करोड़ चाहिए। और तो चलिए यार जल्दी से हम कमाते हैं पैसे, कमाने के पैसे कैसे, ऐसे बस जैसे ये बंदे को मार दो, ये निकले बाहर, बंदा कहाँ है, बंदे को मारना ही बढ़िया है। दिखता नहीं क्या? तो पगले, पगले, पगला बोलेगा, पगला बोलेगा। तो हमें पहले बंदूक चाहिए यार, बंदूक एक अच्छी से ले लेते हैं फिर कुछ करते हैं। तो अब दूसरा पुलिस वाला भी आ चुका है, हम निकल लेते हैं यहाँ से, लेते पुलिस वाला हमें ठोक देगा, मोड़ देगा, हमें मार देगा। तो हम निकलते हैं बंदूक लेने, और बंदूक कहाँ मिलेगी वो मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ शो कर रहा है बंदूक, और पुलिस भी हमारी पीछा नहीं छोड़ रही है भाई, ये बात तो मैं बताऊँगा। जो पुलिस है वो पीछा छोड़ने का नाम और निशान नहीं भाई, बहुत ही खतरनाक ये पुलिस है, और ये हमें छोड़ना नहीं चाहती है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही पड़ी है ये पुलिस। और हम आ चुके हैं अपने अड्डे पर जहाँ हमें बंदूकें मिलेंगी, निकलते हैं और चलते हैं बंदूकें लेने। तो गाड़ी मैंने गलत जगह पर खड़ी कर दिया, फिर से मैं पीछे करता हूँ करके, फिर ए पुलिस यार ये पुलिस दिमाग ख़राब करके, अभी बंदूक लेता हूँ फिर इसकी ऐसी तैसी करता हूँ, चलो नहीं तो मैं गुस्सा होते जा रहा है, चल जल्दी अंदर भैंस की आँख मारूँ, चल चल जल्दी चल जल्दी चल भाई, नौकर जल्दी से, ओके ओके। तो यार हमने बंदूक ले लिया, जल्दी से चलते हैं और इसको टपका देते हैं, हमने अभी बस सिंपल सी बंदूक ले ली है, और बंदूक लेते हैं और इसको पकड़ते हैं, साला ऐसी की तैसी मारो इसको, अरे तो मार दिया, मैं खराब करके रख दिया यार, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था इस पर। तो गाइस जो हमने मार दिया है, और हमने बाइक ले लिए, और हमें पैसे कमाने हैं पहले, तो जल्दी चलते हैं पैसे कमाते हैं, और कुछ तो इसके अंदर बहुत सारी हमें और मिल जाती है देखने को। तो पहले हम चलते हैं ऑटो पे, तो अब इसके अंदर ऑटो पे बैठ जाएँ, ऑटो पहले खेलते हैं, पहले येरा ऑटो, ओ भैंस की आँख मारो जा। तो मैंने जो है ऑटो वाले को रोक लिया है, कंफर्म करता हूँ, तो जो ये है ऑटो मैंने ले लिया, अब मेरे को जाना है, आप देखते हैं जो मेरे को बता रहा है,
मेरे को बता रहा है कि वहाँ जाना है और एक बंदे को उठाना है और उठा के उस बंदे को लेके जाना है। तो यहीं कहीं पर दिखा रहा है यार, वहाँ पर दिखा रहा है, अच्छी लोकेशन नहीं दिखाता है ये गेम। यही है और भाई साहब एटीएम गेम के पास खड़ा कर दिया मेरे को। ओके तो यहाँ पे एक बंदा है, उसे हमें बैठाना है। यस तो बंदा था तो लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा बंदा कहाँ है बंदा। अरे भाई फंस गया मैं। अरे यार ये यार ऑटो बेकार, ऑटो नहीं लेंगे, ऑटो बिल्कुल नहीं लेंगे, ऑटो बेकार है। और अब जिसने हमें ऑटो की जो है देखने को मिल जाती है और हम ठोंकते हैं, ठोंकने से पैसे जल्दी मिल जाते हैं, ऑटो से कम मिलेंगे, ये बात आपको बता देता हूँ। और इसमें बस ये अभी कंट्रोलर बहुत ख़राब है और आप देखते हैं कि मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं होता है यार। देखो इसमें अभी कंट्रोलर थोड़ा ख़राब है और हम देखते हैं इसे। ओ भाई साहब देखो आपने, और इस बंदे को लाते हैं, मर गया वो बंदा। और अब ये गाड़ी में ला देते हैं, ये तरीका अच्छा है पैसे जल्दी का पड़ेगा, तो जल्दी से हम पैसे कमाते हैं और फिर आते हैं आप वीडियो। तो गाइस यार मेरे पास अभी पैसे कुल अभी मेरे पास कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन यार गाइस ये बंदूक बढ़िया नहीं है और इस बंदूक में मेरा काम नहीं चल रहा है, तो चलिए नई बंदूक खरीदते हैं और फिर पैसे बनाते हैं। अभी मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और पैसे मुझे बनाने पड़ेंगे। और जब तुम नहीं बन रहे ना यार, मतलब ऐसे एक एक को मार के जल्दी जल्दी नहीं बन रहे, तो एक बढ़िया सी गती धांसू वाली बंदूक खरीदते हैं और फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और फिर करेंगे। अभी हमारे पास बंदूक बढ़िया वाली नहीं है और ये बंदूक ज़्यादा गोलियां भी नहीं अच्छी मारती है, तो जल्दी चलते हैं एक बंदूक अच्छी लेते हैं और फिर इसकी इन सब की फाड़ते हैं। अरे यार गलत समझ लेते हो तुम, फाड़ने का मतलब फाड़ना मतलब कुछ थोड़ा भी कुछ और भी तो हो सकता है यार, फाड़ने का मतलब फाड़ना ही नहीं होता है। तो यार जल्दी चलो यार, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो यार जल्दी चलते हैं और जल्दी से इस बंदे को टपका देते हैं। ये बंदा अकेला घूम रहा है ऐसे जैसे बंदा घूम रहा है, इसको टपकाना बनता है भाई। बंदा टपकेगा, फिर से आ गई। तो यार ये मतलब आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा हैवी लैग, और हमें डेवलपर से यही गुंजाइश रहेगी कि कृपया करके आप इस गेम को थोड़ा सुधारिए और कुछ इसमें नए फीचर्स जोड़िए, नहीं तो गेम तो एकदम से बढ़िया है। बाइकें इतनी मस्त मस्त दे रखी हैं गती, और कार दे रखी हैं बहुत, मतलब ठीक है यार ठीक है। गेम में गेम से नहीं कोई मुझे कुछ वो है, लेकिन इसमें अभी बहुत ही ज़्यादा लैग है, उस लैग को ख़त्म करो। और गेम पता है इतना लंबा जाएगा, इतना बढ़िया गेम है ये, मतलब क्या कहने इस गेम के, हर चीज़ देखने को मिलती है जैसे कोई GTA गेम में देखने को मिलती है। तो यार हम बंदूक लेने आए थे, तो नई बंदूक खरीदेंगे। और नई बंदूक कौन सी, ये है 5, तो ये यही है, तो हमको यही लेनी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट गन है और ये हमें बाय करनी है, तो हम ओके कर देते हैं। ओके तो हम अब मेरे पास 2 बंदूक हैं, ये बंदूक कैसे, तो आप देख सकते हैं मस्त है ये बंदूक। तो पहले हमें पहले चलते हैं बाहर, फिर सालों को ठोंकते हैं, साले बहन की आँख मारूँ उनकी। अरे कहाँ है मोटरसाइकिल, तो चलिए बैठ जाते हैं मोटरसाइकिल पे। अरे फंस गई। तो यार ये यही इनका यही ड्रामा रहता है, अब मेरे को ऐसे ही भागना पड़ेगा और कोई चांस भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ। और मुझे दूर एक साइकिल दिख रही है, तो साइकिल पे चलते हैं। पहले हम इस बंदूक की थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेते हैं कि बंदूक क्या क्या कर सकती है। तो यार बंदूक ये क्या क्या कर सकती है, तो आप देखते हैं कि मैंने जो यार इससे निशाना नहीं, सॉरी ये वाली बंदूक है ना, तो चलिए इससे निशाना बंद नहीं रहा यार। अरे भाई साहब लग गई। अरे थूक ले, मारना नहीं है तेरे को, तो ज़्यादा कुछ असर नहीं है, सिंपल सा असर है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी मार देता है कुछ भी चीज़ हो। आप देखते हैं कि तीन गोलियों में काम तमाम हो जाता है उस बंदे का, मतलब गाड़ी का, बंदा तो एक ही गोली में टपक जाएगा। तो चलिए हम बैठते हैं अपनी मोटरसाइकिल पर और चलते हैं। चला मैं। अरे भाई क्यों छोड़ दी। तो चलिए यार मिलता हूँ पैसे बनाने के बाद। तो यार गाइस अभी मैंने बस कुछ ही रुपए बना पाए और मुझे 10 खोखे बनाने हैं। तो यार अगले वीडियो में Part 2 में हम पूरे 10 खोखों के साथ आएंगे और उसको हम 10 खोखे देंगे
और क्या करेंगे वो हमें पता बताएगा फिर वहाँ जाकर, और फिर हम अपने गर्लफ्रेंड को बचाएंगे। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो यार पार्ट टू में हम क्या देखेंगे, हम पार्ट टू में देखेंगे अपना कैसे, मतलब हम जाएंगे 10 खोखे बना के, और पार्ट टू में 10 खोखे मैं पूरे बना लूँगा, और फिर हम वहाँ जाएंगे और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएंगे, और भी हम चीज़ें देखेंगे और बहुत मज़ा आएगा, और हमें थुकाने में बहुत मज़ा आता है इसको, जब ये थूकता है तो हमें बहुत खुशी होती है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नीचे जाके कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, अपने फैमिली को जुड़ना अपने फैमिली में, और बेल आइकन बजा देना, और शेयर कर देना वीडियो को, लाइक ठोंक देना जरूर भाई, लाइक जरूर ठोंक देना। ओके चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, न्यू वीडियो जल्दी आएगी, पार्ट टू जल्दी लाऊंगा, जल्दी से लाऊंगा। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।